तो भाई और बहनों, सीन ऐसा है, भाई का मैं नंबर ले रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ आसाम में रुकना पड़ेगा तो भाई के घर में भी रुक सकता हूँ आज। लेट से देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो यार हम लोग जा रहे हैं अभी कामाख्या टेम्पल, काफ़ी दूर है यार, हैं काफ़ी दूर है भाई। अभी ट्रेन चल रही है फाटक में, हम लोग रुके पड़े हुए हैं, अभी खुलेगा तब निकलेंगे आगे भाई। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली से अपने नए दोस्तों से विदा लेने के बाद लहरनगुर रेलवे स्टेशन के लिए एक बस पकड़ता हूँ और बस में मिलते हैं मुझे दो जिंदा दिल इंसान, आरबी पांडे और पवित्र भाई, और वो अपने साथ मुझे खाना भी खिलाते हैं और मुझे गुवाहाटी तक भी लिफ्ट दे देते हैं। वैसे भी मुझे लहरनगुन से होते हुए गुवाहाटी ही जाना था। फिर अगली सुबह मैं अपने दोस्तों से विदा लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ कामाख्या टेम्पल के लिए। उसके बाद नाम क्या आपका? परमाकांत। गुवाहाटी के बस स्टैंड से कामाख्या टेम्पल की दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर की है और जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ परमाकांत जी की बाइक टैक्सी में मैं निकल पड़ता हूँ कामाख्या टेम्पल के लिए, जिसके लिए मुझे पे करने पड़ते हैं 250 रुपये। प्रसाद ले लिया मैंने, यहाँ पे प्रसादों की दुकान मिल जाएंगे पूरे। पहुँच तो गया मैं भाई। जाना कहाँ से? यहाँ से। तो भाई चलते हैं, दर्शन करते हैं। दुकान कौन सी थी यार? दुकान भी तो याद कर लूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट वाली दुकान है यार। यहाँ पे ये सुविधा अच्छी है यार, जिस दुकान से प्रसाद खरीदते हो ना, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप जो है वहाँ पर अपना सामान छोड़ सकते हो, जूते वगैरह खोल सकते हो, हाथ मुँह धोने के बाद तब जाना है। देखो दुकानें हैं कुछ, कितना ऊपर है यार पता ही नहीं। तो भाई यहाँ मंदिर के पास में पहुँच गया मैं भाई, कितना मस्त है यार। ये देखो भाई, यहाँ पे ना लाइन लगना पड़ता है, लेकिन अंदर फोटो वीडियो बनाने देते नहीं है मंदिर के अंदर, और बाहर वाला के भी सिस्टम अलग बना रखा, वहाँ पे वीडियो बनाने देते नहीं है। तो वहाँ पे मैं प्रसाद दे दूँगा अपना। भाई इस जगह का नाम है सौभाग्य कुंड। ये जब मंदिर में आओगे ना, मुख्य मंदिर के पीछे की साइड में यहाँ पर, और अभी जहाँ पे मैंने दिए वगैरह जलाए ना, वहाँ पे दिए वगैरह जलाना है, पूजा करना है, तो वहाँ पे है मंदिर में। अगर आप आते हो तो यहाँ पर ना, अगर आपको स्पेशल एंट्री चाहिए तो 500 रुपये पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको जो है जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। तो साथियों, असम में नीलाचल पहाड़ी की चोटी में स्थित कामाख्या मंदिर कई दिलचस्प फैक्ट से जुड़ा हुआ है। देश के अन्य मंदिरों के अलावा कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं है, साथ ही यहां योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर सभी 108 शक्तिपीठों में से एक प्राचीन मंदिर में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी। इसे 16वीं शताब्दी में कुची बिहार के राजा नारा नारायण ने फिर से बनवाया था। इसके बाद से इसे कई बार फिर से पुनर्निर्मित किया गया है। पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान राजादक्ष अपनी बेटी के साथ भगवान शिव का विवाह रचाने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने इस वजह से उन्हें यज्ञ में निमंत्रण भी नहीं दिया था, माता सती को जब इस बात का पता चला तो भगवान शिव का अपमान उनसे सहा नहीं गया और फिर गुस्से में माता सती आग में कूद गई। जब शिव को इस बारे में पता चला तो वो दुखी होकर सती को गोद में लेकर तांडव करने लगे। देवताओं को जब इस बात की चिंता हुई तब उन्होंने भगवान विष्णु से उसको लेकर मदद मांगी। उन्होंने फिर अपने सुदर्शन चक्र से सती की लाश के 108 टुकड़े कर दिए और शरीर के वो अंग देश के अलग अलग हिस्सों में जा गिरे और माता सती का योनि वाला हिस्सा यहीं गिरा था। कहा जाता है मंदिर एक वार्षिक प्रजनन उत्सव का आयोजन करता है, जिसे अम्बुवासी पूजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी का मासिक धर्म होता है। 3 दिनों तक बंद रहने के बाद मंदिर चौथे दिन उत्सव के साथ फिर से खुलता है। इस पर्व के दौरान कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। इस दौरान शक्ति प्राप्त करने के लिए साधु अलग अलग गुफाओं में बैठकर साधना भी करते हैं। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी, यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ के मासिक धर्म के खून से लिपटी हुई रुई को प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं।
इस मंदिर में देवी की योनि की मूर्ति की पूजा की जाती है। इसे गुफा के एक कोने में रखा गया है। इसके अलावा मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। हालांकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरा सुकुंडा देवी टेंपल वाला वीडियो जरूर देखना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये वही जगह है जहां माता पार्वती का सिर वाला हिस्सा गिरा था। कल्या दर्शन, अब चलते हैं फटाफट से अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। शिलोंग जाना, देखते हैं आज पहुंच पाता हूं या नहीं पहुंच पाता हूं। तो कुछ ऐसा नज़ारा था भाई, देख लो आप लोग। जल्दबाजी में बनाया हुआ ये मेरा ब्लॉग है। तो क्योंकि यार मैं बस स्टैंड से ये लगभग सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी में है, मैं 13 किलोमीटर बता रहा था ना, 15 किलोमीटर की दूरी में है। तो मैंने सोचा यार इतना पास आने के बाद मैं मंदिर ना जाऊं तो यार हो नहीं सकता, तो जैसा भी हो फटाफट दर्शन कर लूँगा यार मैं। तो तब यहाँ पे दर्शन करने आ गया था मैं कामाख्या टेम्पल का। बाकी यार देख लो आप सब लोग, जैसे हर मंदिर के प्रांगण में होता है ना, प्रसाद वगैरह मिलती हैं, फूल मालाएँ, वो सब चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। शिवलिंग वगैरह, पूजा करने से संबंधित बर्तन वगैरह, मूर्ति वगैरह, वो सब चीज़ मिल जाएगा आपको। खिलौने वगैरह बच्चों के, ये देख लो कुछ ऐसे मिलते हैं हर जगह, बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, चाबी के छल्ले वगैरह हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कामाख्या टेंपल के भी दर्शन कर लिए मैंने, और थोड़ी देर बैठ गया था मैं वो कुंड के पास में ना, काफ़ी अच्छा लगा यार। थोड़ा थका हुआ भी था, मैं सोचा आराम कर लेता हूँ वहाँ पे। आराम क्या करना, बस बैठा रहा वहाँ थोड़ी देर तक। तो बस यार अब GPS लगाता हूँ और देखता हूँ सीन क्या होता है आगे का, जहाँ जाना है। लोकेशन पूछते पूछते देखते देखते तब निकलना पड़ेगा। एक हाईवे है, नाम मैं भूलिया, वहाँ तक पहुँचना है। खानापाड़ा नाम की ना एक जगह है यहाँ पर, वहाँ जाना है पहले मुझे। 15 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ से फिर मेन हाईवे शुरू जाता है। और ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो ना ऊपर, ये 2.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बता रहे थे। अभी मैंने किसी से पूछा था, ये आसाम का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। हूँ कामाख्या स्टेशन के पास में, यहाँ से ना 36 नंबर का बस चलता है, वो पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पटन बाजार नाम से जगह है, तो वहाँ से मुझे सुमो लेना पड़ेगा शेयरिंग वाला, वो 300 रुपये लेता है। जगह कुछ ऐसा है, यहाँ से आएगी बस। वो पुलिस वाले भाई साहब से पूछा था मैंने, वो बता रहे थे मुझे। अब यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है, 90 या 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मान लो। नींद में हूँ यार अभी भी, थका हुआ यार। मैं आ गया सुमे स्टैंड में यार। यहाँ से ना हिल चैकिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप भीड़ देख रहे हो, बाजार साला ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, इतना भीड़ है यहाँ पर, इतना इसमें कैसे हिल चैकिंग होगी यार। और जो मेन हाईवे जहाँ पे खाली खाली, थोड़ा खाली खाली सा रहता है ना, वहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो भाई जी लेके आए तो सुमे स्टैंड में पहुँचा दिया। पहले ये गाड़ी निकलेगी, ये शेयरिंग है, फिर वो वाली गाड़ी निकलेगी। पल्टन बाजार है जगह का नाम ना, शिलोंग से पहले पड़ता है ये। तो यहाँ से आपको 2 किस्म की टैक्सी मिलेगी, एक तो 500 रुपये मिल जाएगा, वो सिर्फ 4 बंदे होते हैं। किसी किस्म की टैक्सी होती है वो सुमो नहीं होता, कार टाइप का होता है, वो डिज़ायर वगैरह जो होता है। और ये आपको ले जाएगा 300 रुपये में, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक 10 सवारी नहीं भरेगा तब तक जाएगा नहीं। ये वाली जो गाड़ी अभी, पहले ये जाएगी, उसके बाद हमारी ये वाली जाएगी। तो फाइनली गाइस लगभग 1.5 घंटे बाद हम लोग चल पड़ते हैं अब शिलोंग की तरफ। लेकिन भाई इधर की गर्मी इतनी खतरनाक है ना, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं यार भाई, बहुत गर्मी है। ड्राइवर भैया बता रहे थे कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर जाने के बाद तब थोड़ा मौसम चेंज होने लगेगा, ठंडक आने लगेगा मौसम में ना। दरअसल सफ़र के दौरान मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि मुझे खाने का और सोने का कोई फिक्र नहीं होता, बस अपनी आंखों को जब तक खुला रख सकूँ रखता हूँ। क्योंकि घर से दूर ये नज़ारे और ये सुकून मुझे अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहाँ मैं हूँ और सिर्फ मैं। अभी चेक पोस्ट आया था, चेक पोस्ट में सीन ऐसा होता है, आपकी आईडी मांगी जाती है। अगर आप लेबरिंग कर रहे हो, आप शिलोंग के अंदर जैसे छोटे मोटे काम कर रहे हो, तो आपको क्या कहते हैं यहाँ से पास वगैरह कुछ बनाना पड़ता है। अगर आप टूरिस्ट हो तो अपनी आईडी दिखा दो। मैंने अपना वोटर आईडी दिखाया, तो यहाँ से शुरू जाता है आपका मेघालय। ये सामने जो गांव देख रहे हो ना आप, इसका नाम है नोंगपो। नोंगपो बड़ा मस्त लग रहा है। बाजार है नीचे उसका, उसके नीचे ना यहाँ से तो दिखाई नहीं देगा, नीचे के साइड में बाजार है, पूरा मार्केट है। और टैक्सी टैक्सी भरी पड़ी है, ये वही ब्लैक वाला टैक्सी दिख रहा है यहाँ पे यार।
जो वो हमारे 80s के फिल्में नहीं दिखाते, बॉलीवुड के फिल्मों में मुंबई के जो टैक्सी वाले दिखाते थे कलर, उनके तो कह रहे एम्बेसडर हुआ करती थी, ये तो अल्टो K10 वही वैसे लग रहे, छोटे वाले कार लग रहे हैं, लेकिन कलर वही है भाई। इस वक्त इतना खतरनाक थका हुआ ना भाई, मुझे यार हिम्मत नहीं हो रही यार अब ट्रैवल करने की। अब ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर जाऊं, सामान फेंकूं और आराम से सो। अब जैसे जैसे शिलोंग के करीब पहुंचने लगा तो हवा में भी ठंडक महसूस होने लगी, लेकिन थकावट और नींद के कारण आगे मेरे साथ जो होने वाला था उससे मैं बेखबर भी था। लगभग 3.5 घंटे के सफर के बाद फाइनली मैं पहुंच ही जाता हूं शिलोंग। भाई मेरा पर्स चोरी हो गया यार, मैंने अभी आई कार्ड निकाला था बैंक का, पर्स पता नहीं क्या मेरा तो गया, उसमें ATM भी गया,